केंद्रीय स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए आरक्षण सूची पर दर्ज की गई सभी आपत्तियों का शुक्रवार को निस्तारण कर दिया गया। 3 दिनों तक चले आरक्षण सूची के आपत्तियों पर चर्चा के बाद लगभग 900 आपत्ति को फाइनल कर दिया गया। शुक्रवार को विकास भवन के सभागार में जिला पंचायत सदस्य और प्रमुख पद के आपत्तिकर्ताओं की बैठक DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर की अध्यक्षता में की गई, जिसमें जिला पंचायत सदस्य के 51 और ब्लॉक प्रमुख पद के 17 आपत्तियों का निस्तारण किया गया। इस तरह अब तक आए लगभग 900 आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया और उसकी आख्या शासन को भेजी जाएगी। इसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद उसकी आख्या शासन को भेजी जाएगी और 14 मार्च तक आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने की संभावना है। फिलहाल मिली सूचना के आधार पर हाईकोर्ट ने आरक्षण की अंतिम सूची के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, और एक और चीज ले आओ नीरज बाबू, ऐसी होगा जो कभी आज तक ओबीसी नहीं हुआ है, वो यथासंभव शब्द है। ओबीसी होगा जो भी महिला सामान्य महिला नहीं हुआ है, वो सामान्य महिला होगा, जो बच जाएंगे वो सामान्य में चला जाएगा। इसमें जो है ये ध्यान रखना है कि 2015 में जो जिस कैटेगरी में था वो 2021 में वो उस कैटेगरी में ना हुआ। ये तो 95 से पूछा गया था, जबकि 56 जो है पिछली बार सामान्य महिला था और इस बार आपने BC किया, जबकि यह पहले 59 था। अब आपने 56 किया, जो क्रमांक के हिसाब से बता रहे हैं, तो क्रमांक कभी आरक्षण के दायरे में हमारे ख्याल से लाभ में और कहीं भी आता नहीं है, नियम नहीं करता है क्रमांक, क्योंकि एरिया क्षेत्रफल वही होगा, केवल क्रमांक चेंज होता है। आपका जो गाइडलाइन कहता है कि अब तक जिस वर्ग को हमने मौका नहीं दिया है, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जिसमें भागीदारी सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन 59 नंबर जो पहले हुआ करता था, आज वो 56 नंबर आपने किया है, तो 59 की जनता के जो, जबकि वहाँ का जो परिसीमन है, चाहे जनसंख्या है, वो सामान्य बाहुल्य है, उसको भी आपने ध्यान में नहीं रखा। और जब से आज तक आरक्षण की प्रक्रिया चालू हुई है, तब से आज तक अनारक्षित नहीं हुआ। मैं कैसे मान लूं कि आपका जो गाइडलाइन है और सरकार जो है पारदर्शिता के साथ जो है और सबको मौका देने देना चाहती है, किस तरह से मान लिया जाए कि ये जो स्पष्टीकरण मांगा था किस आधार पे कर, तो इसमें जवाब KCS साहब ने मनोज कुमार से सकते हैं। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि शासनादेश इतना के प्रस्तर 8.13 के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की चक्रानुक्रमण व्यवस्था लागू किए जाने का आधार उस वार्ड का क्रमांक होगा, न कि उसका संगठक क्षेत्र। तो सर ये हम बस इतना जानना चाहते हैं, फल है क्रमांक क्या, कोई एरिया ये जियो को चैलेंज करना है। आपने जो चार्ट बनाया है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ चार्ट का, इस आधार पर आप कह रहा हूँ, सन 1995 सन 2000 तक गोरखपुर में कुल 50 वार्ड थे, उसके बाद 5 से 15 तक 60 वार्ड हुए, उसके बाद 73 वार्ड हुए, उसके बाद 68। जब 95 और 2000 वार्ड नहीं थे 95 में, तो आप 95 में उस वार्ड को कैसे सामान और 2000 में अनुसूचित दिखा रहे हैं, जब वार्ड नहीं थे? तो इसका मतलब है जो चार्ट आपने बनाया है, बिल्कुल चार्ट बनाया है, जो प्रधानों का आपने लिख निकाला है उसमें स्पष्ट जो है आपने अनुसूचित जाति जो है जनसंख्या ने आप निकाला, उससे उनकी जितनी गांव है उससे वो अनुसूचित जाति की आबादी निकाल लेंगे, तो स्पष्ट हो जाएगा वार्ड में कितनी अनुसूचित जाति की आबादी है। जो तीसरा दिवस था, लगातार हम लोग 10 तारीख से जो भी आपत्तियाँ आई उसका निस्तारण कर रहे हैं, उसी के तहत आज जिला पंचायत सदस्यों, वार्ड मेंबर्स और इसके अलावा प्रमुख पदों के लिए जो भी आपत्तियाँ आई थी उसका निस्तारण उनके आपत्तिकर्ताओं के सम्मुख किया गया। ऐसे लगभग 51 आपत्तियाँ जिला पंचायत सदस्य के लिए थी और 17 आपत्तियाँ प्रमुख पदों के लिए थी।
तो अब सब हो गया सर? हाँ, आज के बाद जो है जितनी भी आपत्तियां थी सभी पदों के लिए, सभी आपत्तियां लगभग 900 आपत्तियां आई थी, सभी 900 आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। अब इसकी आख्या बनाई जा रही है, इस आख्या पर कमेटी के 10 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। सब कमेटी के सारे सदस्य इसको पढ़ेंगे, उसको हस्ताक्षर करके उसके बाद फिर इसका अंतिम प्रकाशन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। कब तक सर हो सकता है अंतिम प्रकाशन? 14 तारीख के शाम तक होने की संभावना है। आज शाम को इसी बीच में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में शासन से हमें यह निर्देश मिला है कि अग्रिम आदेश तक अंतिम प्रकाशन जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रणाली है उसका अंतिम प्रकाशन, आरक्षण के अंतिम प्रकाशन पे अग्रिम आदेश तक रोक लगाई गई है। तो जो हम लोग 14 को पहले इसे प्रकाशित करने वाले थे उस प्रकाशन को अभी के लिए रोक दिया गया है।